हाय गाइस, तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में हम क्लास 8 मैथ का चैप्टर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है हमारा फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय डिवीजन मेथड। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें हमें बोला गया कि ये जो नीचे दिए गए नंबर्स हैं हमें इनका स्क्वायर रूट निकालना है, वो भी डिवीजन मेथड से। अब डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट कैसे निकालती है, हमने एक्सरसाइज 6.4 के इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में देखा था। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा तो जाके पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो देखिए, हमें स्क्वायर रूट निकालने डिवीजन मेथड से। तो ये पहले निकालते, जो पहला ना है हमारा 2304। अब हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अब डिवीजन मेथड से हमें निकालना है, तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 2304 का जो होगा वो होगा 2304। अब देखिए, हमें इसमें पेयर बनाना होता है राइट हैंड साइड से, तो हमने पेयर बना दिया। अब ये 23 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बट ये जो 23 है ये 4 के स्क्वायर के बाद आते हैं, यानी 4 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 16, एंड 5 के स्क्वायर से पहले आते हैं। यानी यहाँ पे हम 4 लिखेंगे, यहाँ पे हमने 4 लिखा तो यहाँ पे भी हम 4 लिखेंगे। 4 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 16। अब माइनस करेंगे 23 में से, जब हम 16 माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 7, एंड ये 0, एंड ये 4। अब 4 + 4 = 8, एंड यहाँ पे अब हम कौन सा नंबर लिखे, जो ये जो नंबर बने यहाँ पे जो नंबर लिखेंगे उसी नंबर से हम उस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे अगर हम 8 रखें 88, तो यहाँ पे हमने 8 रखा तो यहाँ पे भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 8 + 8 = 64 + 6 = 70, यानी 74। यानी ये इसके इक्वल, यानी कि यहाँ पे हम 8 रखेंगे, यहाँ पे हमने 8 लिखा तो यहाँ पे भी 8 लिखेंगे। 88 × 8 = 704, यानी 704। अब माइनस कर देंगे, जो हमारा रिमाइंडर है वो 0, यानी कि अब हम इसको फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे। यानी कि ये जो हमारा 2304 है इसका जो स्क्वायर रूट है वो है 48, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 2304 वो है 48। ये हमने डिवीजन मेथड से ये सॉल्व किया। तो ये चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 4489। इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है डिवीजन मेथड से। तो आइए स्क्वायर रूट निकालते हैं। पहले हम पेयर बनाएंगे क्योंकि पेयर बनाना होता है डिवीजन मेथड में, तो हमने पेयर बनाया। अब ये जो 44 है ये किस नंबर के स्क्वायर के बाद आते हैं, तो अब हम ये देखना होगा। तो जब हम 6 का स्क्वायर निकालेंगे 36, एंड 7 का स्क्वायर निकालेंगे 49, तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो 44 है ये 6 के स्क्वायर के बाद आ रहा है, यानी यहाँ पे हम 6 लिखेंगे। यहाँ पे हमने 6 लिखा तो यहाँ पे भी 6 लिखेंगे। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, यहाँ पे हमने 36 लिख दिया। माइनस 44 में से 36 जाएगा, बचेगा 8, एंड ये 89 को हम ऐसे ही लिख देंगे। अब ये 6 + 6 = 12। अब यहाँ पे हमें एक ऐसा कोई नंबर लिखना है कि ये जो नंबर बने उसी नंबर को हम यहाँ पे जो हम नंबर के उससे मल्टीप्लाई करें। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम 5 लिखेंगे तो यहाँ पे हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या अगर यहाँ पे हम 6 रखेंगे तो यहाँ पे भी 6। अब यहाँ पे हम ऐसा कौन सा नंबर रखें जो ये नंबर रखने पर हमारा 889 आ जाए। अगर हम यहाँ पे 3 रखें तो हमारा जो आएगा 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, एंड 3 × 1 = 316। तो जो हमारा ये जो 369 है ये 889 के इक्वल नहीं है। अगर यहाँ पे अब हम 7 रखें तो देखते हमारा क्या आता है, 7 × 7 = 49, 9 and 4 = 7 × 2 = 14 + 4 = 18, एंड 1 = 7 × 1 = 7 + 1 = 8। यानी ये जो 127 × 7 है वो है इक्वल 889, यानी कि यहाँ पे हम 7 लिखेंगे। यहाँ पे हमने 7 लिखा, यहाँ पे भी 7 लिखेंगे। यहाँ पे 127 × 7 = 889, अब माइनस कर देंगे 0, यानी कि जो 4489 का जो स्क्वायर होता है वो है 89, वो 67। हमारा जो नेक्स्ट है वो है 3481। अब हमें इसका स्क्वायर रूट बताना चाहिए, अब इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। अब हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है डिवीजन मेथड से। 3481, अब हम फिर से पेयर बनाएंगे, पेयर बना दिया।
अब ये 34 जो है कौन से नंबर के स्क्वायर के बाद आता है? जब हम 5 का स्क्वायर निकालेंगे 25 एंड 6 का स्क्वायर 36, तो हम देख पा रहे कि जो 34 है ये 5 के स्क्वायर के बाद आता है, यानी कि हम यहाँ पे 5 लिखेंगे, यहाँ पे हमने 5 लिखा तो यहाँ पे भी 5 लिखेंगे। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, यहाँ पे हम 25 लिख देंगे। अब माइनस कर देंगे, जब हम 34 में से 25 माइनस करेंगे तो आएगा 9 एंड ये 81 को हम ऐसे लिख देंगे। अब ये 5 प्लस 5 10। अब यहाँ पे हम ऐसा कौन सा नंबर रखे जो उस नंबर से दिखे, यहाँ पे अब हम ऐसा कौन सा नंबर रखे जो इस नंबर से मल्टीप्लाई करने पर हमारा 981 आ जाए। यहाँ पे अगर हम 1 रखेंगे तो यहाँ पे भी 1 बाई, यहाँ पे हम अगर 2 रखेंगे तो यहाँ पे भी 2, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यहाँ पे हम 7 रखेंगे तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमें यहाँ पे अब हम ऐसा कौन सा नंबर रखें जो उससे मल्टीप्लाई करने पर हमारा 981 आ जाए। अगर यहाँ पे हम 9 रखें तो यहाँ पे भी हमें 9 रखना होगा। अब हम इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आएगा वो आएगा 981। सो यहाँ पे अगर हम 9 रखें तो यहाँ पे हमने अगर 9 रखा है तो यहाँ पे भी 9 रखेंगे, यानी 109 मल्टीप्लाई 9 981। अब माइनस कर देंगे तो जो रिमाइंडर है वो तो आ गया 0। तो जो हमारा जो ये 3481 है इसका जो स्क्वायर रूट है वो है 59। 3481 का जो स्क्वायर रूट है वो है 59। तो चलिए चलते नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा 529। अब हमें इसका स्क्वायर रूट बताएं, तो ये अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। 529। अब हमें इसका स्क्वायर रूट निकालने डिवीजन मेथड से, तो देखिए फिर से हम पेयर बनाएंगे क्योंकि हमें डिवीजन मेथड में पेयर बनाना होता है, ये कंपल्सरी है। तो अब देखिए इसमें 5 एंड 21 का, अब देखेंगे जो पहला पेयर यानी कि 5। अब ये 5 किस नंबर के स्क्वायर के बाद आते हैं, यानी 2 का स्क्वायर हम निकालेंगे 4 एंड 3 का स्क्वायर 9, यानी कि हम देख पा रहे हैं जो 5 ये 2 के स्क्वायर के बाद आते हैं, यानी कि यहाँ पे हम 2 लिख देंगे, यहाँ पे 2 लिखा तो यहाँ पे भी 2 लिखेंगे, यानी 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। माइनस कर देंगे, जब हम 5 में से 4 माइनस करेंगे तो आएगा 1 एंड ये 2 ऐसे लिख देंगे, 9 भी ऐसे, यानी कि 2 प्लस 2 4। अब ये जो 4 है, अब यहाँ पे हम एक ऐसा कौन सा नंबर रखें जो ये नंबर बने, ये इस नंबर को यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पर हम जो हमारा नंबर है वो 129 जाए। यहाँ पे अगर हम 1 रखेंगे यहाँ पे भी 1 रखेंगे, यहाँ पे 2 रखेंगे तो यहाँ पे भी 2 रखेंगे, यहाँ पे 3 रखेंगे तो यहाँ पे भी 3 रखेंगे। जो नंबर हम यहाँ पे रखेंगे वही नंबर हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तब देखिए ये जो हम यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर रखें जो उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर हमारा 129 आ जाए। तो अब देखिए ये यहाँ पे हम 3 रख के चेक करते हैं, तो क्या हमारा 129 आता है, चेक करते हैं। तो जब हम रखेंगे तो आया हमारा 129, मतलब हमें यहाँ पे 3 रखना होगा। तो हम यहाँ पे हमने 3 रखा तो यहाँ पे भी 3 रखेंगे। 43 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है 129। तो जो हमारा रिमाइंडर है वो आगे जी, यानी कि जो हमारा 529 का जो स्क्वायर रूट है वो होगा 23। 529 का स्क्वायर रूट जो होगा वो होगा हमारा 23। तो चलते नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा 3249। अब हमें इसका भी स्क्वायर रूट बताना है, अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं 3249। फिर से हमें पेयर बनाना होगा। अब हमने पेयर बना दिया 32 एंड 49 का। अब ये 32 जो किस नंबर के बाद, कौन से नंबर के स्क्वायर के बाद आते हैं? जब हम 5 का स्क्वायर निकालेंगे 25, 6 का स्क्वायर निकालेंगे 36। इसमें हम देख पा रही है जो 32 ये 5 के स्क्वायर के बाद आते हैं, यानी कि हम यहाँ पे 5 लिखेंगे, यहाँ पे हमने 5 लिखा तो यहाँ पे भी 5 लिखेंगे। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, यहाँ पे हम 25 लिख देंगे। माइनस कर देंगे 32 में से, जब हम 25 माइनस करेंगे आएगा 7। अब ये 49 को हम ऐसे सेम नीचे लिख देंगे 49। अब देखिए 5 प्लस 5 कितना होता है 10, यहाँ पे हमने 10 लिख दिया। अब ये जो 10 है, अब इसके साथ हम एक ऐसा कौन सा नंबर लिखे जो ये नया नंबर बन जाए, उसको ये जो नंबर आएगा उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर हमारा 749 आ जाए। यहाँ पे अगर हम 1 रखेंगे तो यहाँ पे भी 1, 2 रखेंगे यहाँ पे तो ये यहाँ पे भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे हम 3 रखेंगे तो यहाँ पे भी 3। अब यहाँ पे हम ऐसा कौन सा नंबर रखें यहाँ पे, मतलब अब यहाँ पे अगर हम 7 रख दें तो ये जो 107 है इसको 7 से मल्टीप्लाई करने पर जो हमारा नंबर आएगा वो आएगा 749। यानी कि यहाँ पे हम 7 रखेंगे, यहाँ पे हमने 7 रखा तो यहाँ पे भी 7 रखेंगे। और ये 107 मल्टीप्लाई 7 कितना होता है 749, यहाँ पे हम 749 लिख देंगे। माइनस का साइन,
रिमाइंडर जो है जीरो, यानी कि 3249 का जो स्क्वायर रूट है वह है 57। तो चलिए चलते नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा 1369। अब हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ये अब इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं 1369। अब देखिए इसमें हमें फिर से पे बनाना होगा। अब हमने इनका पे बना दिया। अब ये जो 3391 नंबर के स्क्वायर के बाद आते हैं, जब हम 3 का स्क्वायर निकालेंगे 9 एंड 4 का स्क्वायर निकालेंगे 16। तो इसमें हम देख पा रहे कि ये जो 13 है ये 3 का स्क्वायर के बाद आता है, यानी कि यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। यहाँ पे हमने 3 रखा तो यहाँ पे भी 3 रखेंगे। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, यहाँ पे हमने 9 लिख दिया। अब जब हम 13 में से 9 माइनस करेंगे आएगा हमारा 4 एंड ये 6 एंड 9 को हम ऐसे लिख देंगे 416। अब ये 3 प्लस 3 कितना होता है 6। अब यहाँ पे हम एक ऐसा कौन सा नंबर लिखे हैं जो ये नंबर हमारा बना उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर हमारा जो है 469 आ जाए। अगर हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो इसे 61 बना, हम इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये यहाँ पे अगर हम 2 रखेंगे तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यहाँ पे हम 3 रखेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई। अब वही हमें फाइंड करना है यहाँ पे, अब हम कौन सा नंबर रखें जिसको मल्टीप्लाई करने पर हमारा 469 आ जाए। अगर यहाँ पे हम ये यहाँ पे अगर हम 7 रख दें तो यहाँ पे भी हमें 7 रखना होगा। अब इनका जरा एक बार मल्टीप्लीकेशन करके देखते हैं। 7 × 7 = 49, 9 यहाँ पे 4 कैली, 7 × 6 = 42 एंड प्लस 4 = 46, यानी ये जो 67 × 7 होते हैं वो 469, यानी कि इसके इक्वल, यानी कि हमें यहाँ पे 7 रखना होगा। यहाँ पे जब हमने 7 रखा तो यहाँ पे भी 7 रखेंगे और 67 × 7 कितना होता है 469। अब माइनस कर देंगे तो हमारा जीरो, यानी 1369 जो है इसका जो स्क्वायर रूट है वो है 37। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 5776। तो अब इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं 5776 का। अब देखिए हमने इसका पेयर बना दिया, इसका पेयर बना दिया। अब ये जो 57 है ये किस नंबर के स्क्वायर के बाद आते हैं, यानी कि जब हम 7 का स्क्वायर निकालेंगे 49 एंड 8 का स्क्वायर निकालेंगे तो आएगा 64। तो इसमें हम देख पा रहे कि जो 57 ये 7 के स्क्वायर के बाद आते हैं, यानी कि यहाँ पर हम 7 लिखेंगे। यहाँ पर हमने 7 लिखा तो यहाँ पर भी 7 लिखना पड़ेगा। अब ये 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, यानी कि हम यहाँ पर 49 लिखेंगे। माइनस कर देंगे, जब हम 57 में से 49 माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 8, यहाँ पे हमने 8 लिख दिया। अब ये 76 को हम ऐसे ही लिख देंगे, यानी कि 7 + 17 जो हमारा होता है वो होता है 7 + 7 जो होता है हमारा होता है 4। अब ये 4 के साथ 14 के साथ हम ऐसा कौन सा नंबर लिखे जो ये हमारा नया नंबर बने, उसको ये जो नंबर आएगा उससे मल्टीप्लाई करने पर जो है हमारा 8876 आ जाए। यानी कि यहाँ पे हम 1 लिखेंगे तो यहाँ पे भी हमें 1 लिखना होगा। यहाँ पे अगर हम 5 लिखेंगे तो यहाँ पे भी हमें 5 लिखना होगा। यहाँ पे अगर हम 9 लिखेंगे तो यहाँ पे भी हमें इसको 9 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब वही हमें यहाँ पे हमें ऐसा कौन सा नंबर लिखे जिसको जो ये नंबर बने उसको मल्टीप्लाई करने पर हमारा 876 आ जाए। अगर यहाँ पे हम 8 रखें, यहाँ पे अगर हम 6 रखें तो देखते हैं हमारा क्या आते हैं। अब देखें 6 × 6 = 36, 3 कैरी, 6 × 4 = 24 + 4 + 3 यानी 27 प्लस 2 कैरी, 6 × 6 + 2 8 यानी 876, यानी कि जो 146 × 6 आ रहा है वो आ रहा है 876, यानी कि इसके इक्वल, यानी कि हमें यहाँ पे 6 ही रखना होगा। यहाँ पे हमने 6 लिखा तो यहाँ पे भी 6 लिखेंगे, यानी 146 × 6 कितना आता है 876, यानी 876 हम यहाँ पे लिखेंगे। अब इसको माइनस कर देंगे हमारा आ गया जीरो, यानी कि जो हमारा 5776 का जो स्क्वायर रूट है वह है 76। तो चलिए चलते नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा 7921। तो भाई आइए इसका स्क्वायर रूट है। अब इस 7921
अब देखिए फिर से इसमें हम पेयर बनाएंगे, 21 का पेयर बन गया 79 का। अब ये 79 जो है किस नंबर के स्क्वायर के बाद आते हैं, वो 88 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 64, 9 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 81। यानी कि इसमें हम देख पा रही है जो 79 है ये 88 के स्क्वायर के बाद आता है, यानी 8 यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे भी 8 का स्क्वायर 64 माइनस करेंगे 15 21, ये 21 ऐसे आ गया। अब ये 8 प्लस 8 कितना होता है हमारा 16। अब यहाँ पे हम एक ऐसा कौन सा नंबर लिखे जो मल्टीप्लाई करने पर हमारा 1521 आ जाए, ये 16 के साथ ऐसा कौन सा नंबर लिखे जो हमारा वो 1521 आ जाए। अब देख यहाँ पे हम अगर 9 रख दें, यहाँ पे भी 9, तो हमारा जो आएगा वो आएगा 1521, यानी कि हमें यहाँ पे 9 रखना होगा। यहाँ पे हमने 9 देखा तो यहाँ पे भी 9, यानी कि ये 169 मल्टीप्लाई 9 कितना होता है 1521। यहाँ पे हमने 1521 लिख दिया माइनस 0, ये हमारा 0 आ गया, यानी कि वो 7921 का स्क्वायर रूट है वो है 89। तो चलते नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा 576। अब देखिए अब फिर से हमें इसमें पेयर बनाना होगा, पेयर हम राइट हैंड साइड से बनाते हैं, इसमें हमने पेयर बना दिया 5। अब ये जो 5 है किस नंबर के स्क्वायर के बाद आते हैं, ये जो 5 है ये 2 के स्क्वायर के बाद आते हैं 4, यानी कि यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। अब यहाँ पे हमने 2 लिखा तो यहाँ पे भी हमें 2 लिखना पड़ेगा। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, यहाँ पे हमने 4 लिख दिया, माइनस कर देंगे 5 में से, जब हम 4 माइनस करेंगे आएगा हमारा 1। अब ये 76 को हम ऐसे ही सेम लिख देंगे नीचे। अब देखिए 2 प्लस 2 कितना होता है हमारा 4, यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। अब ये हम 4 के साथ ऐसा कौन सा नंबर लिखे जो मल्टीप्लाई करने पर हमारा जो है 176 आ जाए, यानी कि जो नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे वही नंबर हमें यहाँ पे भी लिखना होगा। यानी कि अगर हम यहाँ पे 1 लिखेंगे तो यहाँ पे भी हमें 1 लिखना होगा, 2 लिखेंगे तो यहाँ पे भी हमें 2 लिखना होगा। जो नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे 4 के साथ लिखेंगे उसी नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यहाँ पे हम 4 रखेंगे तो यहाँ पे 4। अब जो इनका मल्टीप्लीकेशन करके देखते हैं, जब हम इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आएगा हमारा 176। यानी कि 4 यहाँ पे हम 4 के साथ जब 4 रख रहे हैं और वो जो नया नंबर बना उसको 4 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं हमारा 176 आ गया, इसके इक्वल आ गया। यानी कि हम यहाँ पे 4 रखेंगे, यहाँ पे हमने 4 लिखा तो यहाँ पे भी 4 लिखेंगे। अब 44 मल्टीप्लाई 4 कितने होते हैं 176, यहाँ पे हमने लिख दिया। अब माइनस कर देंगे 0, यानी कि 576 का जो स्क्वायर रूट है वो है 24। 576 का स्क्वायर रूट जो है 24। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा 1024। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब फिर से इसमें पेयर बनाएंगे, अब इसमें हमने पेयर बना दिया, इसका पेयर बना दिया। अब ये जो 10 है कौन से नंबर के स्क्वायर के बाद आते हैं, ये 10 जो है ये 3 के स्क्वायर के बाद आते हैं, 3 का स्क्वायर होता है 9, और ये मतलब 10 जो है 3 के स्क्वायर के बाद आते हैं। हम यहाँ पे हम 3 लिख देंगे, यहाँ पे हमने 3 लिखा तो यहाँ पे भी 3 लिखेंगे। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, यहाँ पे हम 9 लिख देंगे। अब माइनस कर देंगे 10 में से, जब हम 9 माइनस करेंगे आएगा हमारा 1। यहाँ पे 24 को हम नीचे सेम ऐसे लिख देंगे 24। अब 3 प्लस 3 कितना होता है हमारा 6, यहाँ पे हमने 6। अभी हम 6 के साथ ऐसा कौन सा नंबर लिखे जो उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर हमारा 124 आ जाए। अगर यहाँ पे हम 1 रखेंगे तो यहाँ पे भी हमें 1 रखना होगा, यहाँ पे अगर हम 2 रखेंगे तो यहाँ पे भी हमें 2। अब एक बार इनका मल्टीप्लीकेशन करके देखते हैं, इनका जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारा आएगा 124, यानी कि यहाँ पे जो 124 है इसके इक्वल आ गया, यानी 62 या 6 के साथ हम 2 रखेंगे। यहाँ पे हमने 2 लिखा तो यहाँ पे भी 2 लिखना होगा। अब 62 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है 124, यहाँ पे हमने 124 लिख दिया माइनस 0, यानी कि ये हमारा लास्ट आ गया 0। यानी कि 1024 का स्क्वायर रूट कितने 32, 1024 का स्क्वायर रूट कितने 32। तो नेक्स्ट है हमारा 3136। अब हमें इसका स्क्वायर रूट बताना है, आइए इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। अब हम इसमें पेयर बनाएंगे, पेयर बनाया। अब ये 31 जो किस नंबर के स्क्वायर के बाद आते हैं,
जब हम 5 का स्क्वायर निकालेंगे 25, तो हमें प्रत्येक की जो 30 उन्हें 5 के स्क्वायर के बाद आते हैं, यानी कि हम यहाँ पे 5 लिख देंगे। यहाँ पे हमने 5 लिखा तो यहाँ पे भी हम 5 लिखेंगे। अब ये 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, यहाँ पे हमने 25 लिख दिया। अब माइनस कर देंगे, जब हम 31 में से 25 माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 6, तो हम ये 36 जो इसके साथ हम ऐसे सेम नीचे लिख देंगे। अब ये 5 + 5 कितना होता है 10, यहाँ पे हमने 10 लिख दिया। अब इस 10 के साथ हम ऐसा एक कौन सा नंबर लिखें जो मल्टीप्लाई करने पर हमारा जो है 636 आ जाए। अगर यहाँ पे हम 1 लिखेंगे तो यहाँ पे भी हमें 1 लिखना पड़ेगा, अगर यहाँ पे हम 2 लिखेंगे तो 2 यहाँ पे हमें उसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब यहाँ पे हम ऐसा कौन सा नंबर लिखें जो मल्टीप्लाई करने पर हमारा 636 आ जाए। अगर हम यहाँ पे 6 रखेंगे तो यहाँ पे भी 6 रखना पड़ेगा, और जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आएगा हमारा 636, यानी कि ये जो 106 को मल्टीप्लाई 6 से मल्टीप्लाई करने पर जो हमारा नंबर है वो आया 636, और 636 यहाँ पे भी, यानी कि हम यहाँ पे 6 रखेंगे, यहाँ पे हमने 6 रखा तो यहाँ पे भी हमें 6 रखना पड़ेगा। अब 106 मल्टीप्लाई 6 कितना होता है 636, यानी कि हम यहाँ पे 636 लिखेंगे। माइनस करेंगे 0, यानी कि हमारा 0 आ गया, यानी कि 3136 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना है, वो है 56 है। 3136 का जो स्क्वायर रूट है वो है 56। तो चलिए चलते नेक्स्ट है हमारा 900 का स्क्वायर रूट निकालना है। अब फिर से हम पेयर बनाएंगे, लास्ट टू डिजिट इनका पेयर बन गया, इनका पेयर, यानी कि ये जो 9 है एक परफेक्ट स्क्वायर है। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो किस नंबर के स्क्वायर के बाद आता है, बट ये हमें पता है ये जो 9 है ये जो 3 का स्क्वायर है, यानी कि 3 का स्क्वायर, यानी कि अब हम यहाँ पे 3 लिख देंगे। यहाँ पे हमने 3 लिखा तो यहाँ पे भी हम 3 लिखेंगे। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, जब हम माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 0। अब देखिए बचा 20 नीचे, तो हम ऐसे लिख देंगे, तब यहाँ पे 20 बच गया यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे भी हम एक 0 लिख देंगे, क्योंकि ये पेयर में, यानी कि 1 पेयर, यानी कि यहाँ पे हम 0 लिख देंगे, यानी कि जो 900 है इसका जो स्क्वायर रूट है वो है 30। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये होता है हमारे कंप्लीट। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि यह वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल हो सके।